विधिज विषयान् प्राश्च भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाचन्यान् सुमति विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वशो न स्फुरीय अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद की वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग ये दोनों प्रकरण में मतलब आत्म प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण जिसको कहा गया कि संसार के व्यथन तो उसी को लगभग उपसंहार करने के लिए ये श्लोक बताया हुआ है कि जगत जगत व्यथ है क्योंकि वो सपने वस्तु की तरह जो है अनुचित काल अनुचित देश किसी के द्वारा मतलब महापुरुष के द्वारा समर्थन तो शास्त्र द्वारा समर्थित नहीं होते इसलिए जो है ये जगत को हम मिथ्या मानते हैं। और उसके बाद क्या है हमारी सब प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है जिस परम प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता है धर्म अर्थ काल में भी प्रयोजन को हद तक सिद्ध हो जाने पर भी परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष साधन मोक्ष रूपी जो धर्म वो जगत इसको प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु जागृत की वस्तु को प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते उसी प्रकार जागृत वस्तु स्वाप्निक वस्तु में प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते इसी प्रकार यहाँ भी जो है हमारा जो व्यवहारिक वस्तु हमारा पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते इसलिए भी इसको मिथ्या ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कल हम लोग इस श्लोक को पढ़ लिए थे मतलब इसका ये जगत पारमार्थिक स्थिति क्या है उसको समझाने के लिए उपसंहार रूप में श्लोक को बताए थे स्वप्न माये तथा दृष्टि गंधर्व नगर तथा विश्वमितं दृष्टिं वेदांतेषु विचक्षणैः जिस प्रकार जो है स्वप्निक वस्तु माइक वस्तु अथवा गंधर्व नगर को जैसे देखा जाता है मतलब थोड़ी देर के लिए है वो पारमार्थिक वहाँ पे नहीं है इसी प्रकार से वेदांतों में विचक्षण व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा इस विश्व को भी उसी दृष्टि से ही देखा जाता है इस विश्व को भी उसी दृष्टि से ही देखा जाता है। या तो मतलब यहाँ पे दृष्टांत दिया कि वर्ष का बुद्ध के समान थोड़ा खुला हुआ थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं फिर बाद में वो फूट जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे सारा संसार को या तो स्वप्निक वस्तु जैसे अथवा जादूगर जादू में जैसे वस्तु दिखाते हैं अथवा थर्ड लेवल गंधर्व नगर अपनी कल्पना से हम कुछ सोचते हैं ये तीन में से जो आपको समझ में आता है उस दृष्टि से हमको समझना है तो बोलते हैं कि तथा विश्व विदम दृष्टि किसी प्रकार से जितना ये तीन प्रकार के बोले बचे कोई भी एक को हमको समझ में आता है इस संसार को भी इसी दृष्टि से देखते हैं बोल लो विचक्षण ही बुद्धिमान विशेष रूप से देखने का सामर्थ्य है जिन लोगों का वो लोग क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पूरा के पूरा वेद तो पढ़ते हैं गुरुकुल में आप वेद की किसमें तात्पर्य कोई कहता है कर्म में तात्पर्य कोई कहते उपासना में तात्पर्य कोई कहते ज्ञान में तात्पर्य इसे क्या सिद्ध होता है कि हमारी बौद्धिक योग्यता जहाँ तक हम संस्करण पढ़ पाते हैं तद अनुकूल हम इसके तात्पर्य है ऐसा करके हम कहते हैं। इसके ऊपर भाष्य हमने पढ़ लिए थे कल केवल आप लास्ट श्लोक को देखिए वहाँ पे जो तमोस्वप्रनिभं दृष्टं वर्षबुद्बुदसन्निभं नाशप्रायं सुखाधीनं नाशोत्तरमभावकम् ठीक है ना। इस श्लोक को पढ़ रहे थे व्यासदेव जी महाभारत में श्लोक को लिखते हैं कि ये अज्ञान के कारण स्वभ्रम मतलब होता है चित्र जैसे भूचित्र दिखाई पड़ते हैं माला वहाँ पे पड़ा हुआ अथवा दृष्टि पड़ी है हमें पता नहीं है तो हम भूचित्र जैसा दिखाई पड़ता है निभ मतलब सदृश दृष्टम दिखाई देते हैं अथवा वर्ष बुद्ध वर्षा के बुद्ध जैसे बुलबुले होते हैं थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है बुलबुल परंतु उसका कोई पारमार्थिक स्थायित्व नहीं होते हैं कोई बबल्स होते हैं वो कुछ दिखाई नहीं मतलब कुछ देर के लिए दिखाई प्रतीति होते हैं पकड़ने जाओ तो कुछ पकड़ में आता ही नहीं है बुद्धुल समझ करके आपने किसी को समझे दिखाई देते पकड़ने जाओ तो कुछ नहीं होता बस भूल जाते हैं वर्ष बुद्ध इसलिए बोलता है नाश प्राय सुखाधीनम जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी वो नाश के द्वारा ग्रसित है
नाश प्राय मैक्सिमम होगा नाश ही है मतलब है ही वहाँ पे। और उसमें क्योंकि ये जो वस्तु पारमार्थिक नहीं है हमेशा नाश को ही प्राप्त कर तो हमारे लिए सुख कारक कैसे हो सकते हैं। इसलिए तो सुख ही सुखादि नम सुख से रहित है और नाश तरफ अभाव ये मिथ्या वस्तु को दिखाने के लिए। मिथ्या वस्तु क्या था कल मैं बताया था नित्य अनित्य और मिथ्या वस्तु में भिन्नता क्या है। मिथ्या वस्तु की जब नाश होती है तब एकमात्र अधिष्ठान बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, परंतु अनित्य वस्तु के जब नाश होता है तो उसका कुछ रेसिड्यू रह जाता है। मतलब व्यवहारिक सर्प का आप मारेंगे तो सर्प का मृत शरीर आपको दिखाई देगा, उसको जलाएंगे तो आपको कुछ राग दिखाई देगा, परंतु रज्जू के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प जब ज्ञान से नाश होगा ना उसका मृत शरीर दिखाई देगा ना उसका कुछ राग दिखाई देगा, केवल एक अधिष्ठान तत्व है। महाभारत में असत वस्तु में सत्य की तरह प्रीति कैसे हो सकते हैं। यदि आशंक श्लोक अक्षराणी वैशिष्ट ऐसे शंका उपरण होने पर श्लोक की अक्षर पद को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्य। हम एक जानते काल में बताया था यहाँ पे कि संसर्ग अभ्यास होता है। संसर्ग अभ्यास क्या होता है कि मतलब एक है धर्म एक है धर्मी एक है अधिष्ठान एक है आरोपित वस्तु, ठीक है ना। अधिष्ठान के ऊपर जब हम सर्प बुद्धि को आरोप करते हैं अधिष्ठान व्यक्ति के ऊपर जब हम सर्प बुद्धि को आरोप करते हैं तो यहाँ पे धर्मी अभ्यास भी हुआ और धर्म अभ्यास भी हुआ। धर्मी हो गया सर्प और उसमें रहने वाला धर्म वो सब हमने वहाँ पे आरोपित और रज्जु में आरोप किया। रज्जु अभी रज्जु रूप में नहीं दिखाई दे रहा है सर्प रूप में दिखाई दे रहा है और सर्प की जहरीला मान भी रज्जु में दिखाई दे रहा है। और जो ये हो गया स्वरूप अर्थस भी हुआ संसर्ग अर्थस भी है, परंतु रज्जु का स्वरूप अर्थस रज्जु का स्वरूप अर्थस सर्प में नहीं होता परंतु संसर्ग अर्थस होता है। तो सर्प कितना लंबा है जितना रज्जु लंबा है, सर्प कितना मोटा है जितना रज्जु मोटा है, सर्प की रंग कैसा दिखाई देगा जैसे रज्जु काला वैसा दिखाई देगा। तो इस तो संसर्ग यदि अधिष्ठान के स्वरूप अर्थस होता तो अधिष्ठान मिथ्या हो जाता। इसलिए आरोपित वस्तु का स्वरूप अर्थस संसर्ग अर्थस दोनों होता है और अधिष्ठान का जब आरोपित वस्तु में केवल मतलब संसर्ग अर्थस होता है तो उसका संसर्ग मतलब उसमें जो गुण है वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो आप हमारे यहाँ पे जगत जो है मिथ्या 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 बोलते हो तो हमें सत्य जैसा प्रतीत क्यों होती है, क्योंकि जिस अधिष्ठान के ऊपर जगत दिखाई दे रहा है अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य वस्तु है। जिस अधिष्ठान के ऊपर जगत दिखाई दे रहा है वो जगत भ्रांति की अधिष्ठान जगत भ्रांति की अधिष्ठान भी पारमार्थिक सत्य वस्तु है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। जितना भी आप विकल्प कर लो अधिष्ठान के ऊपर अविकल्पित जो वस्तु बचा रहे थे शेष में वही पारमार्थिक वस्तु है। इसी यहाँ पे बोलते हैं क्यों दिखता है, क्योंकि इसलिए दिखता है कि जिस अधिष्ठान के ऊपर हमने इस जगत की कल्पना की उसके अंदर सब धर्म मतलब है करके वो दिखाई देता है, क्योंकि है उस अधिष्ठान की धर्म है क्या अधिष्ठान की धर्म है। अब जो है वहाँ पे आया ना कि जो गंधर्व नगर पर लिखते हुए देखिए यहाँ पे भाष्यकार लिखे थे कि प्रसारित पन्न अपन गृह प्रसाद स्त्री पुंज पद व्यवहार किरण गंधर्व नगर, ठीक है ना। गंधर्व नगर कैसे दिखाई देता है कि जैसे किसी ने दुकान सजाया है, दुकान है दुकान में कई सामान रखा हुआ है वहाँ पे कई लोग आवागमन कर रहे हैं वहाँ पे बेचा कहना हो रहा है, ये सब जो हमको ऊपर कोई मेघ बादल में हमको मानी कल्पना जैसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी प्रकार यहाँ पे जगत भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। प्रसारित पन्न फैला हुआ है जो बेचने की द्रव्य पन्न होते बेचने जो द्रव्य आपन मतलब मकान आपन मतलब दुकान और गृह मतलब मकान प्रासाद मतलब बड़े बड़े जो अट्टालिका वो सब पैलेस इस स्त्री पुंग जनम स्त्री पुंग जनपद स्त्री पुरुष जनपद मतलब क्या होता है तुमने बोलते हैं ना जनपद जनपद उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया तो आपका जिला
डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा बड़ा होता है, उस माला से पहले विलेज विलेज से पहले डिस्ट्रिक्ट की हिंदी जिला है, डिस्ट्रिक्ट की हिंदी जिला होता है। हां तो यहाँ पे जो है वो जनपद मतलब थोड़ा लोकैलिटी जो दिखाई पड़ता है, जन जन यात्र जो पद्धति विद्यते इति जनपद हम जो है मतलब कुछ देर के लिए एक प्रकार व्यवहार पिक्चर देख रहे हैं, प्रारब्ध की झोंका से कोई एक पिक्चर देख रहे, जैसे आप मुक्ति के सिनेमा देखने जाते हैं 3 घंटे के शो के देखने के लिए जाते हैं पैसा दे करके। यहाँ भी जो है ना अपने पूर्व प्रकृत पुण्य महता पुण्य पन्ने न क्रियते काये न उसका महान पुण्य रूपी कीमत चुका कर दी, इस शरीर रूपी नौका को आपके द्वारा खरीदा गया है, आपको सिनेमा हॉल में प्रवेश कर दिया, सिनेमा हॉल में प्रवेश ना आपका मातृगर्भ में प्रवेश हो गया। अब सिनेमा हॉल में प्रवेश होने के बाद आप अपनी इच्छानुसार नहीं देख सकते हैं, जैसा बनाया हुआ है डायरेक्टर का वैसे ही देखना पड़ेगा आपको, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर एक बार प्रवेश होने के बाद और वही सिनेमा हम 3 घंटे का पिक्चर देख के बाहर आ गए, दूसरा वही देख रहे हैं, हमारा दादा ने भी देखा, बाबा ने भी देखा, मैं भी देखा, पोता दादा जो भी सब वही पिक्चर देख रहा जा रहा है, यही संग्रह देखता जा रहा है और उसको कुछ हाथ नहीं है उसको कुछ बदले। ये जो है यही जो है संसार के नियम चलता है, ये नहीं सोचना कि हम देख रहे हैं दुष्ट को नहीं, मैं सबको नाश करके जाऊंगा, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा जैसा हमारा बना हुआ है भगवान की सृष्टि में वैसे ही हमको देखना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रसारित टीका में तत्र तत्र प्रकटताम प्रापितानि पन्यानि, प्रसारित मतलब है उस स्थान में प्रकट हो गया, क्या प्रकट हो गया, प्रकट को प्राप्त हो गया, प्रकटता को प्राप्त हो गया, पन्यानि पन्य मतलब वो सामान जिसको हम बेचते हैं खरीद बेचना हो जिसको होता है पन्य द्रव्य, तो पन्यानि प्रापितानि प्रकटताम प्रापितानि स्पष्ट रूप में आपको दिखाई देगा, जैसे कोई दुकान में दाल चावल रोटी सब्जी सब जो है हर हर अलग अलग प्रकार के दिखाई देते, ये सब दिखाई देगा बस में कुछ भी हो, तो यह हम बोलते हैं प्रसारितानि मतलब फैला हुआ है, फैला हुआ तत्र तत्र उस दुकान में जिसके दुकान खाने का दुकान कहीं कपड़े का दुकान कहीं मिठाई का दुकान सब तत्र तत्र प्रकटताम प्रापितानि मतलब अभिव्यक्ति को प्राप्त किया हुआ है, अभिव्यक्ति प्राप्त क्यों पन्यानि बेचने द्रव्य जो है क्या वहाँ पे है केवल मेघ बादल है पर हमारे मनोकल्पना साथ मिल करके वो जो है कई रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पन्यानि शब्द का अर्थ कर दिया कि क्रय विक्रय द्रव्यानि खरीदना बेचने के लिए जिन द्रव्य को हम रखते हैं उसको बोलते हैं पन्य द्रव्यानि, येषु आपणेषु जिन जिन दुकानों में हट्टेषु हट मतलब दुकान के बोलते हैं हट्टेषु ते प्रसारित पन्न आपनस्ते ऐसे बोलते हैं बोलते उसी को जो है यहाँ पे प्रसारित पन्न आपन देखिए भाष्य का भी पंक्ति है ना समास पद आएगी प्रसारित पन्न आपन इसलिए बोलते हैं उसका इसका अर्थ हो गया मतलब जिन जिन दुकानों में फैल करके रखा हुआ है खरीदने बेचने जो द्रव्यों को वो हो गया प्रसारित पन्न आपना तेज गृहश्च यहाँ तक हो गया पहला अभी कर्मधारा समास है तेज गृहश्च मतलब इस प्रकार दुकान भी है मकान भी है दुकान भी है मकान भी है गृहश्च प्रासादश्च और बड़े बड़े किंतु छोटे छोटे मकान नहीं है बड़े बड़े मकान भी है वहाँ पे है ना हट्स भी है पैलेस भी है गृहश्च प्रासादश्च फिर केवल इतना ही नहीं स्त्री पुं जनपदश्च स्त्री और पुरुष से भरा हुआ एक जनबहुल क्षेत्र है ना स्त्री पुरुष से भरा हुआ बाजार में जैसे होते जनपदश्च एतेषां व्यवहारः इन सभी द्रव्यों का जो व्यवहार होते हैं तहि उन सभी व्यवहारों के द्वारा आकीर्ण मतलब भरा हुआ इति योजना ऐसा उस पद को अन्याय करना पड़ेगा किसका प्रसारित पन्न आपन गृह प्रसाद त्रिपुंजन पद व्यवहार आकीर्ण इव है केवल बात उनके प्रथमा में क्या दिखाई दे रहा है अच्छे अच्छे मकान दुकान और फिर वहाँ पे कई बेचने खरीदने जो कुछ है पन्न द्रव्य है लोग जा रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं इस प्रकार से जो दिखता है उसी के भगवान भाष्य का कि ये पन्न द्रव्य जिन जिन दुकानों में है वो हो गया प्रसारित पन्न आप होना केवल इतना ही नहीं है दुकान नहीं है ये बात नहीं है मकान है वहाँ पे
केवल मकान खाली नहीं है वहाँ पे, स्त्री पुरुष जितने सब है वो भी है वहाँ पे, वो बाजार में निकल के आपने सब खरीदते हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रसारित पर्ण आप नस्ते च गृहस्थ कर्मधारय समाज प्रासादश्च स्त्री पुंजन पद च। ये इस प्रकार से ये जब स्त्री पुरुष जन बहुल क्षेत्र स्वप्न में क्या होता है, हम अपने भाषणों के अनुसार हमारे सामने एक वस्तु को देखते हैं। माया में क्या होता है, हमको जैसा दिखाया जाता है, माया मतलब जादूगर जो दिखाते हैं हम उसी को देखने में मजबूर होते हैं। जागृत अवस्था हो मतलब कि हम हमारा प्रोडक्ट जैसे बना हुआ है तदनुकूल हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं बोला ना, पिक्चर जैसे बना हुआ डायरेक्ट हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा, हम उसमें कुछ परिवर्तन उस समय नहीं कर सकते। तीन दृष्टांतों को कह करके दृष्टांतिक दृष्टांत कहाँ घटेगा, दृष्टांत क्या हो जाएगा जो व्यवहारिक जगत आपको दिखाई पड़ रहा है, दृष्टांत स्वप्न माया गंधर्व बना। आगे देखिए, यथाचा स्वप्न माये दृष्टे, जैसे स्वप्न और माया को देखा जाता है असत रूपे, वो वास्तविक है नहीं वहां पे मतलब फिर भी दिखाई, तथा उसी प्रकार से विश्वमिदम ये संसार यहाँ पे दिखाई पड़ता है, द्वैत प्रमद भेद बुद्धि समस्तम असत दृष्टम, समस्त असत होते हुए भी सत जैसा प्रतीति होती है। वह ये कैसे, ये कहाँ से पता लगा आपको, हमको तो सभी को तो ये सत्य दशा दिखाई पड़ता है। तो जब तक आप वेदांत में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको ये सही दिखाई देगा, है ना। इसलिए हमें बोलते हैं वो आपका कहाँ पे दिखाई देता है, वो तो कहाँ पे समझाया गया इस चीज को, जगत ऐसी है जगत, तो प्रत्येक व्यक्ति बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपने आँख से देख कर कहा है, आपने अपना अनुभव है ऐसे ऐसे, और शास्त्र बोलते हैं आपका जो आँख से प्रमाण के द्वारा जो दिखाई दे रहा है यही तो मिथ्या है। यही मिथ्या की हमारी परिभाषा है, क्या मिथ्या की परिभाषा है, दृश्यत्वात् विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। और हमारे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने आपने हम देख कर गए, वो क्या देखा, व्यवहारिक दृष्टि से देखा, आपने ज्ञान चक्षु से नहीं देखा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, जब ज्ञान चक्षु खुलेगा तब ये व्यवहारिक दृष्टि। इसी यहाँ पे बोलते हैं दृष्टांतत्वयम् अनुत दृष्टांतिकम् अनु, यथाचा स्वप्न माये, जैसे स्वप्न और माया इन दोनों को दृष्टि असत रूप क्या दिखाई देता है, असत रूप है, तथा ठीक उसी प्रकार से विश्वमिदं द्वैतं समस्तं जितना भेदात्मक प्रपंच दिखाई दे रहा है वो असत रूप है, ऐसा दिखा गया है मतलब कहा गया है, कहाँ कहाँ गया है, वो इतिहास वेदांतेषु वेदांतों में ऐसा कहा, है ना। क्योंकि उपनिषद भाग में कर्म कांड में कर्ता भोक्ता आत्मा को प्रतिपादन किया, इस काम को करो तुम्हें ये भोग मिलेगा। उपनिषद भाग में जब आए आते हैं तब जाकर के तू अकर्ता अभोक्ता असंग ऐसे कहा जाता है, परंतु इस अकर्ता अभोक्ता असंग है ये समझने के लिए पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो आरोप है हमारे पर स्वाभाविक श्रुति उसका अनुवाद करके हमको समझाते हैं, तब जाके क्या होता है कि बोलते ये जो तुम स्वकाम रूप में कर्म को कर रहे हो इसको निष्काम भाव से करना सीखो, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा कि चित्त विक्षेप कम होगा। चित्त विक्षेप है तो क्या है, भाषण, चित्त विक्षेप में जो भाषण है, जैसे जैसे हमारी भाषण कम होती जाएगी विक्षेप कम होता जाएगा। अब वो जो विक्षेप रहित जो अंतकरण स्वच्छ अंतकरण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो परंतु शास्त्र की इस प्रक्रिया को समझाने के लिए शास्त्र को क्या करना पड़ता है, जितना हम समझते हैं अथवा समझे हुए हैं पहले उसी को अनुवाद ही करते हैं। हाँ तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हैं। देखो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन षष्ठ अध्याय में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी मनोदूर्णिग्रहं चल, अर्जुन बोलते हैं मनोदूर्णिग्रहं चल जो एम योगतया प्रोक्ता भगवान बोल सकता था,
भगवान पहले कहते एडमिट करते हैं उसको, असंशय महाबल मम दुर्लभम। हमको लगता है ये 39 6 चैप्टर में आपको जो है 36 37 38 ऐसा कुछ होगा। अभिमत हो गया अर्जुन, बोल रहा है कि इसको होना संभव नहीं, भगवान बोलते हैं इसको करना संभव है। तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एक जगह पे तो भगवान इतना अभिप्राय क्या है कि मतलब शिष्य जितना समझता है जितना समझा उसको पहले गुरु उसका एडमिट करते हैं, न तो भाग जाएगा। हाँ जितना तुम समझो जैसा तुम कहेगा ये गलती नहीं है, ठीक है, जगह दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, हमें सच दिखाई दे रहा, अपने आँख से दिखाई दे, बिल्कुल सही बोल रहे। आप धीरे धीरे शास्त्र दृष्टि को, जब तुम्हारा विचार पूर्वक शास्त्र दृष्टि खुल जाएगा तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे जोशीला सीधा बोलते हैं कि वेदांत भाग में आने के लिए पहले सबको कर्ता भोक्ता आत्मा मान्यता दे करके चलो, ठीक है, फिर वही कर्म को तुम निष्काम भाव से करो और उस निष्काम भाव से करते करते थोड़ा ईश्वर चिंतन करो कि किसके इच्छा से कर्म हो रहे हैं। वो संपूर्ण जड़ात्मक इस जगत में चेतना का काम सुना कैसी क्रिया हमारा संभव है, जब ऐसे विचार करने लग जाओगे तो आप धीरे धीरे वेदांत में जिस बात को कहा गया वो समझ में आ जाता है। तो इसी को यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे बोला, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पे भिन्नता बिल्कुल नहीं है, यह हमारी सृष्टि में भिन्नता बिल्कुल नहीं है। बताइए हमें सबको, हम सबको भिन्नता दिखाई पड़ता है और श्रुति क्या बोलती है, भिन्नता बिल्कुल नहीं। क्या अद्भुत बात है, क्या क्या भिन्नता क्या है वहाँ पे, मतलब इसमें अभिप्राय क्या है, अभिप्राय इतना ही मात्र है कि हम लोग जब दुकान में जाते हैं किसी सुवर्ण मतलब सोने की दुकान में जाइए, चांदी की दुकान में जाइए, कितना ऑर्नामेंट सजा रहते हैं, हमें सारा ऑर्नामेंट अलग 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 दिखाई देता है कि नहीं, ये सब भिन्नता है। और दुकानदार को क्या देखता है, वो चांदी अथवा सोना ही दिखाई पड़ता है, सुवर्णविद है वो, सुवर्ण जानता है कि इसमें इतना सोना है इसमें इतना सोना है। किसी प्रकार से हमें अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ते हैं परंतु तो उसके अंदर उपादान के प्रति हमारा ध्यान नहीं है, और जो सुवर्णविद होता है मूल उपादान के ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रुति बोलते हैं कि आप तो ऊपर की दृष्टि से देखते हो तो वहाँ पे तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु भीतर की दृष्टि देखो इस प्रकार मृत्यु का, जैसे छात्र को श्रुति में समझाते हैं कि जाते समय देखते हैं मृत्यु का प्रिंट है, आते समय देखते हैं मृत्यु का से बना हुआ कई बर्तन आदि दिखाई पड़ता है, तो अपने आप ही निश्चय करते हैं कि बाचारम मनम विकारो नाम मृत्यु का ही तेव सत्य है ना, जो उसका मूल उपादान कारण वही सत्य है। इसी को मन में रखते हैं हमें सुनते होते हैं नहीं अनानास के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो तथा च, यहाँ पे टीका में यथा च जो बोल रहे हैं ना, गंधर्व नगर आकारम चकारस्थ, जैसे यहाँ पे क्या दिया, स्वप्न माए दिया ना, गंधर्व नगर का भाष्य का नहीं बोला वहाँ पे भाष्य में, यथा च स्वप्न माए दृष्टि असद रूपे तथा विश्वम इदम जयितम समस्तम असदृष्टम, तो वहाँ पे चकार के तरह क्या लेना है, बोलते गंधर्व नगर आकार जब को दिखाई पड़े तो उसको ग्रहण होगी चकार का अर्थ है गंधर्व नगर आकार। देखिए एक शब्द में कोई चीज ऊपर से छूट गया तुरंत उसको कैसे परमात्मा अनेक रूप में आपको दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, माया से दिखाई पड़ता है, एक पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन तत्व, और माया क्या करता है उसको अनेक रूप में, माया उसको अनेक रूप में, प्रश्न उठा आशित क्यों बोल रहे, क्या अभी नहीं है आत्मा, क्या मतलब अभी भी आत्मा ही है परंतु आत्मा किस रूप में, अभी नाम रूपात्मक रूप में दिखाई पड़ती है, मतलब आप क्या हो गया, वो मृत्यु का भी है और एक विशेष नाम रूप भी है,
मृत्तिका कहीं गया नहीं, वही मृत्तिका ही है, वही मृत्तिका वही के उस नाम रूप के अंदर ही विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार इस नाम रूप के अंदर उस सत तत्व को पहले कहा गया था, इस नाम रूप के अंदर वो सत तत्व ही दिखाई दे रहा है। जिस समय हम खरा देख रहे हैं, बताइए ठीक से हम मृत्तिका देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, परंतु मृत्तिका एक विशेष आकार में दिखाई दे रहा है, तो हम मृत्तिका नहीं कहते खरा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय हम पहाड़ नदी हिमालय देख रहे हैं, उस समय भी हम सच्चिदानंद को ही देख रहे हैं, परंतु सच्चिदानंद क्या हो गया कि थोड़ा आकृति को प्राप्त हो गया, इसीलिए हम सच्चिदानंद को नहीं समझ पा रहे। कि अपन विचारशील व्यक्ति क्या जाने, जब हम कहते हैं हिमालय है, गंगा माता जी है, विश्वनाथ है, तब जब यह देखिए हिमालय गंगा विश्वनाथ ये में व्यभिचार हो गया, परंतु है में व्यभिचार नहीं है। ये जो अव्यभिचारी तत्व है यही ईश्वर की स्थिति, यही का सच्चिदानंद रूप है। इसीलिए बोलते हैं इंद्र माया भी पूर्व रूपम इति, परमात्मा अपनी माया शक्ति से अपने अनेक नाम रूप से अभिव्यक्त करते हैं, परंतु वास्तविक वो आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम चक्र ब्रह्म ही वेदम अभ्यासित है, ब्रह्म ही मतलब निर्दिशय व्यापकता शुद्धता पूर्णता ही सृष्टि के स्वयं में फैले था। इंद्र माया भी इसका एग्जैक्ट मतलब इंद्र मतलब परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा, इंद्र माया भी पूर्ण रूप आ गया है, पूर्ण रूपम इति मतलब अनेक रूप को प्राप्त करते हैं। इंद्र माया भी पूर्ण रूप अभिहते, ये मैं बोलता ना यह है आपका मधु ब्राह्मण में वेदा ने दो पांच उन्नी सही है। तो नेहरा नास्ति की जन कल मैं द्वितीया वैफय भवति, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। जब तक भेद बुद्धि है कोई वस्तु को देख करके हमारे मन में कहते हैं वह, जब तक ये बुद्धि उठ जाएगी वह, तब तक हम डरेंगे। ब्रह्मतम परागाच अन्नत्रात्मन ब्रह्म वेद क्षत्रतम परागाच अन्नत्रात्मन क्षत्र वेद, वो क्षत्रिय वो ब्राह्मण वो वेद उसको परास्त कर देते हैं जो अपने से भिन्न कर उसको देखता है। मैत्री ब्राह्मण आया जो अपने से भिन्न कर उसको देखता है, जो उसी रूप में देखते हैं उसको कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे कल मैं बता रहा था मजे की बात है, सिनेमा देखने घुसा अंदर टिकट कट के, अब टिकट कट के घुसा वहाँ पे, तो वहाँ पे जंगल में घूम रहे हैं तो एक शेर ऐसा कूद के आ रहा है, वो सीट के ऊपर बैठा हुआ था, छुप गया। बोलते भाई क्या बात है छुप क्यों रहे हो, पिक्चर है। बोलते हमें तो पता है कि ये पिक्चर है, पर तो शेर को नहीं पता है कि ये पिक्चर है, कहीं हमारे ऊपर कूद गया। तो यही बात है यहाँ पे, मतलब बात क्या है, वो शेर को अपने से भिन्न देख रहा है, पारमार्थिक नहीं है ये ग्रहणीय नहीं है, इसी को श्रुति कहना चाहती है ऐसा टिप्पणी में कहा गया। न तो तब द्वितीय वस्तु उस आत्मा से भिन्न करके कोई दूसरा दूसरा वस्तु है ही नहीं। इसको देखिए और आत्मस्वरूप हो जाता है, तो क्या होता है तत्र केनकम पश्यत केनकम विजानीयत, ऐसे भाग को आगे आते हैं, कौन किसके द्वारा किसको जानता, कौन किसके द्वारा किसको सुनता है, इस प्रकार से मतलब सारा व्यवहार पारमार्थिक नहीं है इस विषय में स्मृति महाभारत हमारे यहाँ पे देखिए पहले बोल करके आया आपको निद्रा किसको बोलते हैं, मतलब अन्नथा गृह्णते स्वप्न तत्त्वज्ञानतः
परिभाषा दिया, ये जो तत्व को नहीं जानना यही नेत्रा है, अधिष्ठान नेत्रा विपर है ना, अन्यथा ग्रहण, परंतु नहीं जानने के कारण अन्यथा ग्रहण होता है। जिस प्रकार जब हम सोते हैं तब स्वप्न देखते हैं, ठीक है ना, नेत्रा के अग्रहण, और स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण। ये इसी को नेत्र भी यहाँ पे तम शब्द के द्वारा कहा, तमसी मंद अंधकार है, तमसी मंद कहा जाएगा, तम शब्द प्रतिभा तमस प्रतिपदी होते ना, उसके समान चित्र के समान मंद अंधकार में रज्वाम अधिष्ठाने, रज्जु रूपी अधिष्ठान में ये भूचित्रम इति मतलब ये सभ्र शब्द का अर्थ भूचित्र है, वहां पे रज्जु वर्ण में क्या दिखाई दे रहा, भूचित्र दिखाई दे रहा, इसलिए बोलते हैं भूचित्रम इति। जब भ्रांता भाती, जो भ्रांति से प्रतीति होती है, जो भ्रांति से प्रतीति होता है वहां पे एक भूचित्र तो नहीं, वहां पे माला अथवा कोई रज्जु पड़े हुए है, अब ठीक से नहीं देखा तो मुझे लगता है वहां पे कोई छेद होगा, और कोई छेद होगी भाती, उसके समान बराबर विवेकी व्यक्तियों के द्वारा विश्वम दृष्टम है ना, इस संसार को उसी दृष्टि से देखा जाता है, संसार को उसी दृष्टि से देखा जाता है। तच्च अरीर संसार है ना, अत्यंत चर्चा है, वेरी ट्रिफल तुच्छ भी है वो, फ्रिटल एंड ट्रिफल, अत्यंत चंचल है और अत्यंत तुच्छ है, उसको बोलते हुए अतीव चंचलम आलक्षितम ऐसा दिखाई देता है ना, क्योंकि देखो अनित्यम असुखम लोकम, जिसने संसार को बनाया स्वयं अपने शब्द से कहता है ये संसार क्या है, अनित्य है, इसलिए सुखदायी नहीं है, उसी को अतीव चंचलम आलक्षितम, अत्यंत चंचल है, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहा है, हमारी दृष्टि में सूक्ष्मता नहीं है, इसलिए हम परिवर्तन को देख नहीं पाते, प्रत्येक क्षण में वस्तु विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए होता है अत्यंत चंचलम आलक्षितम नाश प्राय, उसका अर्थ कहते हैं मूल्य है ना, वर्तमान काले अपि तत् योग्यत्व अशक्तत्, वर्तमान काल में जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस समय भी वो वहां पे उस प्रकार में नहीं है, तब जो वर्तमान काल नाश प्राय मतलब जिस समय वर्तमान काल में भी आपको जो दिखाई दे रहा है, हमको क्या लगता है वर्तमान काल में संसार की वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगा, इसीलिए हम उसको ग्रहण करते हैं, पर तो ध्यान रखना वर्तमान काल में भी वो वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है। क्यों, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु, व्यवहारिक वस्तु जो हमको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी होगा, तो ये जब कोई भी वस्तु की उपयोगिता किसके लिए है, जरा सोचिए, absolutely not, कोई भी वस्तु की उपयोगिता शरीर इंद्रियों के लिए, आत्मा किसी की अपेक्षा ही नहीं रखता, कोई भी धर्म अर्थम आपका अर्थम मतलब अन्न वस्त्र वसस्थान अथवा कोई भी वस्तु व्यवहारिक कोई भी उपयोगी कोई भी वस्तु को आपको लगता है वो किसके लिए उपयोगी है, शरीर के लिए अथवा मन को खुश करने वाला है, आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आप जब आत्मभाव में रहना चाहते हैं, आप जब आप में सोचते हैं कि मैं असंग पूर्ण व्यापक हूँ, और उस समय यदि हमारे मन में आ गया यही हमारे लिए काम का चीज है, मैं रख लेता हूँ, तब त्रिपुरित हो जाता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, हाँ मतलब प्रियत्व कहाँ पे है ये दिखा रहे हैं, यदि तुमको संसार में कोई वस्तु प्रिय दिखाई पड़ती है तो ध्यान देना आत्मा किसी के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु हर एक वस्तु में प्रियता आत्मा के लिए होती है, हर एक वस्तु की प्रियता आत्मा के लिए होती है, मतलब प्रियत्व धर्म, क्योंकि हम प्रियत्व कहां को हम क्या वस्तु हमको प्रिय लगते वहां पे किस उद्देश्य में कहा गया, सोचिए क्यों बोला कि कुछ वस्तु हमको प्रिय लगता है, किसी भी व्यक्ति को पूछिए कि आपको ये प्रिय क्यों लगता है, उत्तर यही है वो उससे मुझे सुख या आनंद मिलता है, ठीक है। अब हम संसार में किसी भी वस्तु में जो प्रियत्व दिखाई पड़ता तो आत्मा के लिए, मतलब प्रिय तो आत्मा में बैठे, मतलब क्या कि आत्मा आनंद के आकर है ये दिखाना चाहते हैं, क्या तो बोलते वस्तु ये नहीं खा, खाना पीना आत्मा के लिए है, ये नहीं सर, हम ये नहीं समझते, आत्मनस्तु प्रिय हमारा सर्वम प्रिय भवति, अभिप्राय ये है कि आत्मा सबसे प्रिय अधिक प्रिय वस्तु है, क्यों, क्योंकि संपूर्ण क्योंकि प्रिय कौन होता है, जो आनंद यत्र यत्र प्रियत्व तत्र तत्र आनंदत्व व्यक्ति है, आनंदत्व बिना प्रिय नहीं हो सकता,
जहाँ कहीं भी देखेंगे कहीं भी प्रिय है आपका, निश्चित वहां पे आपका आनंद है, आनंद के बिना प्रिय नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वहां पे प्रिय तो दिखाने का अभिप्राय क्या, हम ये हम नहीं समझते क्या होता है। मैं चेतन हूँ और मैं हूँ ये हमें बोध है, परंतु मैं आनंद स्वरूप ही हमारा बोध नहीं है, इतना हमको नहीं है। तो जाकर वस्तु तुमको पूछ रहे, बताओ ये वस्तु तुमको प्रिय क्यों लगता, ये वस्तु तुमको प्रिय क्यों लगता, क्योंकि तुम्हारे शुभ कारक है। आनंद प्रिय है, वस्तु प्रिय नहीं है। हाँ, वस्तु प्रिय नहीं है और आनंद कहाँ बैठा है, आत्मा है, हमको अच्छा लगता है। तभी तो पहले क्या बोलता है, न बारे पत्तु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मा नस्तु कामाय पति प्रिय भवति, न बारे जाया ये कामाय जाया प्रिय भवति, इसके संदर्भ में बोल रहे हैं। देखो आत्मनस्तु काम है, आत्मा अपने को अच्छा लगता है इसलिए मैं पति को प्रेम करता हूँ, अपने को अच्छा लगता है, मतलब यहाँ कि अच्छा मन जो है, आनंद मन जो है आत्मा में बैठा हूँ, इसीलिए आत्मा प्रिय है, इसीलिए आत्मा प्रिय है। इसको समझाने के लिए वहाँ पे ऐसा कहा, देखिए हम इसलिए बोलते हैं कि तमसी मंद अंधकार राजम अधिष्ठान भू चित्र की जब भ्रांत आति तन निभम तत्लभ विवेक विषयम दृष्टम तच्च अतीब चंचलम अलक्षितम नाश प्रयम वर्तमान काले अभी तद्योग्यता असत्ता। ये थोड़ा सा और सूक्ष्म वस्तु आनंद के लिए कहना चाहते हैं, गलत रूप में नहीं समझना इस चीज़ को, मैं कहना अभिप्राय क्या है हमें। जिस समय मान लीजिए हम कुछ चीज़ को बाजार से लेते हैं, कोई भी चीज़ बाजार से लेते हैं, उसी समय हमारे मन में ये चीज़ को समझना चाहिए, ये हमारे साथ रहने वाला है, हमको साथ है। मकान बना रहे हैं, इस मकान आपको ईंट का पत्थर में दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का विकार है, ये जल से आया हुआ है, जल में मिल जाएगा, तात्कालिक थोड़ा प्रयोजन मिटाते हैं, तात्कालिक प्रयोजन मिटाते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा है, परंतु फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही वो प्रयोजन मिटता है दुष्ट वो तो हमको शांति नहीं दे पाता। हम जो निरक्षय नित्य आनंद को ढूंढ रहे हैं वो तात्कालिक प्रयोजन से क्या लाभ होगा, यही तो इसी को वेदांत इशू। हमेशा कोई वस्तु को लेते समय हमारा पुत्र है परंतु तो थोड़ी देर के लिए, इसमें मेरा पन मैंने आरोप किया, पिंड भगवान की है, पंचभूत भगवान की है, पंचभूत मेरा नहीं है, ये पंचभूत की पिंड चाहे ये हो चाहे वो हो, परंतु हमें पुत्रत्व जो संबंध हमने आरोप किया मन से, उसी समय यदि हम ये मानते हैं ये हमारा आरोपित है, ये नाश हो जाएगा, एक क्षण में नाश हो सकता है। जिस समय आप देखो क्या बोल रहे हैं, सच्च अतीव चंचलम अलक्षितम, ये जिस समय आपने यहाँ पे पुत्र तथा शिष्य तथा मित्र तो कुछ भी आपने आरोप किया वो अत्यंत चंचल है। आज ही मान लीजिए किसी के साथ मैंने दोस्ती किया और कल हमने किसी ने बोला अरे वो तो तुम्हारे लिए ये कह रहा था कि ये तुम चल, अब क्या क्या हुआ आपका मन में बताओ, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये व्यवहारिक जगत में उस समय जिसके समय किसी के साथ संबंध हो मित्र तो अच्छा है, उसी समय मन में ध्यान रखना है ये संबंध भी पारमार्थिक नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही हमारा एकमात्र साथी है जो हमेशा रहने वाला है। बाकी संसार में कोई वस्तु चाहे मकान बना आश्रम बना जहाँ भी रहो जैसे भी रहो, कुछ दिन पहले सामान्य रूप में मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने सुना कि हमारे यहाँ पे जो ये ब्रह्मा विद्यापीठ में पाँच मीटर का किसी किस्म का तो सामने हमने सुना ऐसा है, आपने सुना, आपने तो एक बार भी मेरे को नहीं बताया। तो मैं बोला यदि मेरे मन में कभी भी वो थोड़ा बहुत दाग लगाता होता तो शायद निकल आता, परंतु जिस समय भगवत जिसने मैं इतनी है जिसने इसको बनाया वो कैसे रहेगा, उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी मिलती है, हम उनके लिए दिमाग क्यों खराब। यदि हमारे मन में इस चीज़ कभी बैठी होती तब हम ठीक है कभी ना कभी निकल के आता, देखो कट जाएगा वो हो जाएगा, वो ही निकल इसी भी नहीं निकला। तो हंस किया, मैं बोला कि भाई देखो शास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कुछ तो जीवन में आना चाहिए, और अपने आप ही हो, मैंने आर्टिफिशियल ही नहीं, यदि वो मैंने होगा तो हम जो बोलते कभी 10 मिनट में जो रात में जो भी टेलीफोन में क्लास नहीं करते वो बता रहे। मैं बोला कि ऐसे ही है, अब मैं देखो शास्त्र भी ऐसे लिख रहे, हमेशा ध्यान रखना है कि ये अतीब चंचल है, क्षणिक है, तो हमारे दृष्टि से लगता है थोड़ी देर के लिए, परंतु काल की दृष्टि से ये तो बिल्कुल ही तुच्छ कुछ भी नहीं है। तो फल जिस कुछ देर के लिए आया ये चला जाएगा, पहले ही मन को ये तैयार कर देगा तो क्या हो जाएगा कि किसी भी वस्तु के प्रति मन आकर्षित नहीं होगा, कभी मन में आप मेरा ठप्पा ही नहीं लगा पाओगे, केवल मैं ही मैं रहेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सुंदर पुत्र होता है, तो इस अतीव चंचलम आलक्षितम नाश प्रायम वर्तमान काल में भी
जिस समय आपको वो मकान रूप में दिखाई दे रहा है उस समय भी आप समझना है कि ये पानी है, हम पानी के ऊपर बैठे हुए हैं। सच्चा यही है, ब्रह्म विद्यापीठ और कैलाश में कहाँ बना हुआ है? पानी के ऊपर बना हुआ, अब नीचे से पूरा पानी आ रहा है। ये तो झूठ नहीं बोला, देखते हैं उसको, ठीक है बनी हुई है, जब तक है तो नहीं है, किस क्षण में ये जो पानी में बदल जाएगा। गंगा जी मचा, आपने आपके सामने देखा वहाँ पे जहाँ पे अभी ये नहीं बना हुआ है, वो जो जगदशा वहाँ पे इतना कितना सुंदर शिव मंदिर बना दिए थे नेमचंद जी, नेमचंद जी की दुकान अंडर मंडा खंडा बनाए थे, पति का रोज आते थे, वो आया बाढ़ हम वहाँ पे इतनी बारिश में आपके पास उस सबको लेकर के रुद्रदास के सामने का जिस आपके सामने देखा सारा सारा मकान जो है नीचे से पानी हट बजरी हटता क्या सारा पानी में चला। मतलब क्या हुआ, जिस समय ये बन रहा है उस समय भी ये मतलब नाश के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज को मन में रखेंगे तो कभी भी किसी वस्तु के ऊपर अथवा इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा कि नहीं, ठीक है व्यवहारिक प्रयोजन कुछ देर के लिए आया है, जब तक इसका भाव फैलाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इसका मतलब हम उसको बिगाड़ेंगे, ये बात भी नहीं। हम बिगा इसलिए बोलते हैं कर्म चरम आलक्षितम नाश प्राय वर्तमान काल अभी वर्तमान काल में भी वो आपको आनंद दे, मैंने इतना बड़ा अच्छा काम कर लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, ये आप ये उसमें पारमार्थिक नहीं है, हम केवल आरोप करके खुश होते हैं, ये अभिप्राय नहीं होते। नद्वैतम कदाचित विश्व कर्म उपलब्ध थी, ठीक है ना, ये द्वैत प्रपंच कभी भी आपके लिए शुभ कारक नहीं हो सकता। नैतम कदाचित विश्व कर्म उपलब्ध हमसे भिन्न है, जितना आपने मान्यता दिया चाहे कुछ देर के लिए आपको सुख की प्रतीति हो परंतु वो दूर नहीं हो जाएगा। जैसे आपके अटैचमेंट थोड़ा सा कहीं बिगड़ा, अरे ये खराब हो गया, ठीक करना है, ये सब मन मैंने लगता है। न चाहे द्वैतम कदाचित विश्व कर्म उपलब्ध थे, क्यों दुख आक्रांत दृश्यते, वो दुख के द्वारा घेरा हुआ है, ऐसा दिखाई दुख के द्वारा घेरा हुआ है। सारा संसार में देखिए किसी के पास कितना भी हो उसको पूछ करके देखो तुम सुखी हो, उत्तर क्या देगा, हजार व्यक्ति में 999 व्यक्ति यही बोलेगा कि महाराज ये परेशानी के संत मैं कहता हूँ ब्रह्मनिष्ठ तक मत जाए, ब्रह्मनिष्ठ मत जाए। एक व्यक्ति शादी की है सुख प्राप्त करने के लिए, 10 साल बाद उसको पूछिए आप एक संत महात्मा ब्रह्मचारी है, 10 साल बाद उससे पूछिए, 10 साल पहले कठिन लगता है, 10 साल जाने दीजिए, एक नया ब्रह्मचारी यहाँ पे आया हुआ है कठिनाई के साथ रह रहा है, 10 साल बाद उसको पूछिए और उसी का एक दोस्त को 10 साल बाद उसको शादी करने का उसको पूछिए, देखिए क्या उत्तर देते हैं दोनों में भी पता है, आपको अपना पता लग जाएगा, किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा। वो तो बोलेगा कि अरे कितना मस्ती में हुआ, शुरू शुरू में तो कठिन लगेगा नियम को बदलने संस्कार बदलने के लिए, और इसको शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, इसको शुरू शुरू में कठिन लगेगा, ज्यादातर विषम परिणाम अंत नहीं होते सत्य सुख है। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र से जो हमको पता लगता है उसको थोड़ा सा समराइज करके मन में रखिए, आपको पता लग जाएगा शास्त्र कितना प्रैक्टिकल है। इसीलिए बोलते हैं न चाहे द्वैतम कदाचित विश्व कर्म उपलब्ध थे, दुखाक्रंतम जो दृश्य थे दुख के द्वारा वो घेरा हुआ ऐसा दिखाई देते हैं, तब चाहे नाश ग्रस्तम, क्यों क्योंकि नाश के द्वारा ग्रसित है। मतलब ये चीज मतलब जिस समय उत्पत्ति हो रहा है उस समय वो नाश के द्वारा ग्रसित है। यदि ये भावना हम मन में ना पाएंगे तो कभी भी उस वस्तु के प्रति आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है प्रारब्ध के निमित्त ईश्वर ने इस चीज को इस शरीर से इस कर्म को कराया, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, वो तो नाश से घिरा हुआ है, उत्पत्ति काल में ही वो नाश के द्वारा घिरा हुआ है। क्योंकि देखो भगवान जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्तथा, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके साथ मृत्यु लग गया, मौका मिलते ही गृहित शास्त्र के अंदर गृहित केशेषु मृत्यु न धर्मम आचरे, मन में भावना रखने की मृत्यु आपको केश पकड़ करके खींच रहा है ऐसा समझ कर देखा माचरण का कोई निश्चय नहीं है कब मर जाओगे। इसीलिए नाश कृष्णम तच्च नाश को नाश के द्वारा ग्रसित है, नाशात ऊर्ध्वम असत्यम एव उपगच्छति, नाश के बाद क्या है ये देखिए होता है कि मिथ्या वस्तु है, परंतु नाश के बाद वो बिल्कुल है नहीं जैसे लगेगा आपको। नाश के बाद नाशात ऊर्ध्वम असत्यम एव उपगच्छति, मतलब मिथ्या वस्तु के नाश होने पर उसकी बोध जो है अवशिष्ट नहीं रह जाता है।
न तरी दृष्ट परमार्थतम, इसलिए क्या है वो भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक जिस पारमार्थिक प्रमाण के द्वारा जो हमारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण है व्यवहारिक प्रमाण है, आगमी एकमात्र पारमार्थिक प्रमाण है आत्मा वस्तु, मतलब पारमार्थिक वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए प्रमाण है आगम। इसलिए शास्त्र ने कभी भी जब तक प्रत्येक शास्त्र उपनिषद में देखना सृष्टि की प्रतिपादन तो किया, पर पाश्चात्य बात है जो बोलते हैं जहाँ कहेंगे सृष्टि की प्रतिपादन तो उसके आगे जाकर सृष्टि को निषेध कर देती है, चाहे मूर्तामूर्त ब्राह्मण देखिए चाहे सत आपको सत ब्राह्मण देखिए उसको निषेध कर देते हैं। मतलब क्या है सृष्टि में हमारी तात्पर्य नहीं है, सृष्टिकर्ता को जानो, अमूल कारण को जानो, क्योंकि उसके ज्ञान से कोई किसी भी जगह पे आप देखना किसी भी उपनिषद में सृष्टि के प्रकरण आया है, परंतु कहीं भी ये नहीं कहेगा सृष्टि के ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, परंतु सृष्टि के उपादान कारण जगत में उसके ज्ञान से महान लाभ ऐसा दिखाया गया है, इसीलिए सृष्टि के अध्यारोप हम करते हैं। संक्षिप्त रूप में जो कह करके आया उसको एक श्लोक में इस श्लोक को निश्चित याद कर, इस श्लोक है पूरा अद्वैत प्रकरण का द्वैतत्व प्रकरण का सारभूत है। ये आनंदगिरी लिख रहे हैं प्रमाण युक्तिभ्याम द्वैत मिथ्यत्व प्रसाधनेन अद्वैतम एव पारमार्थिकम इति स्थिते निर्धारितम अर्थम संगृणाति, ठीक है ना। प्रमाण और युक्ति, पहले आगम प्रमाण श्रुति प्रमाण के द्वारा जगत मिथ्यत्व दिखाया द्वैतत्व प्रकरण में, युक्ति के द्वारा सिद्ध किया आगम प्रकरण वैधत्व प्रकरण, आगम प्रकरण में श्रुति प्रमाण, वैधत्व प्रकरण में युक्ति, श्रुतियों ने बोलता है इसलिए बोलता है प्रमाण युक्ति व्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन, द्वैत में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, द्वैत को द्वैत मिथ्य है इसको सजा करके दिखाया प्रसाधनेन अद्वैत में पारमार्थिक, यानी कि भेद रहित तो पारमार्थिक है इति स्थिते, ये निश्चय हो जाने पर निर्धारितम अर्थम जिस चीज को हमने निश्चय किया उस विषय को संघृणामि, संक्षेप में एक साथ कहते हैं सम्मुख रूप से ग्रहण करके कहते संघृणामि अश्लोक आएगी। न निरोधान च उत्पत्तिर् न निरोधान च उत्पत्तिर् न बद्धो न च साधकः, न बद्धो न च साधकः सामने में वस्तु दिखाई दे रहा है सामने कुछ ना, तो पहले निरोध को क्यों लिया। जब तक व्यासदेव जी ने जब हमारा ब्रह्मसूत्र रचा वहाँ पे ब्रह्मसूत्र ब्रह्म का लक्षण करके क्या कहते हैं जन्म तस्य जात, तो पहले किसको लिया और यहाँ पे निषेध जो कर रहे हैं पहले निरोध को निषेध कर बोलते हैं न निरोध, निरोध मतलब प्रलय नाश, बोलते हैं कि किसी को नाश करने का प्रयास ही मत करो। न निरोध जो सामने आपको दिखाई दे रहा है जिसको लेकर आपको परेशानियां दिखाई दे रहा है आप सोच रहे हैं कि मैं साधन करके इसको हटाऊंगा मिटाऊंगा, कुछ नहीं करो। एक जो यहाँ पे है ना बोले ने संपूर्ण और एक सामने थे उनको बड़ा सुंदर कथन है डोंट डू व्हाट यू वांट टू डू यू विल रीच द गोल। चादर को लेकर भी बोलते हैं सबसे अच्छा जब न निरोध है मतलब बस निरोध करने का फिर मन को निरोध करो चित्त वृत्ति निरोध करो जगत का नाश करो, निरोध मतलब नाश नाश निरोध मतलब नाश निरोध मतलब रोकना सब अर्थ में होता है कि जो ग्रह चित्त वृत्ति निरोध है मान लो कार्य का क्या बोलते हैं कि कुछ प्रयास मत करो, प्रयास करोगे मतलब कि आप उसको सत्यत्व मान्यता देकर के आप उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ हुआ ही नहीं कुछ है ही नहीं, एकदम करने वाला अपनी कल्पना है। ये महाभारत में आते हैं ना
कि कोई एक मकान बनाया था, उसमें पूछे था कहीं पे पानी की प्रतीति हो रही थी, कहीं पे इंद्रप्रस्थ। ये जो है ना, मैं बोलता ना कि ये उपनिषद की चीज को देखो कितना फिगर है, वही में दिखाया हुआ, यही होता है। हमको समझ में नहीं आता, यहाँ पे है ही नहीं वैसा, हम क्या है, पानी रहित स्थान में हम तैर रहे हैं, ऐसा नॉन रिलेटिव यहाँ से शुरू किया। क्योंकि जो भी कोई वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी को रोकने का प्रयास मत करो। जब भी रोकने का प्रयास करो, मतलब क्या है, उससे आप कुछ प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उससे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, आत्मा के साथ उसका कोई संबंध, इसका मतलब जो मर्जी का ये नहीं है। ठीक है, ये मानव को कहेगा करके ये विशेष है, आप संयम जो बोल रहे हैं, आपकी आप मन की मान्यता दे करके मन के संयम। हाँ, मन जब इधर होता है तो होते सब, मन तो ये मानव कार्यक्रम है, मन नामक कोई वस्तु है ही नहीं। तुमने कल्पना कर लिया मन, और फिर उसमें संस्कार की कल्पना किया, मान्यता ही मत दो जिस प्रकार। मान लीजिए, देखिए सामान्य बोलता, आप रोज आते हैं हमारे पास, हम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वन डे विल कम विल स्टॉप कमिंग, है कि नहीं? ये व्यवहार जगत में दिखाई पड़ते हैं हमको। ठीक इसी प्रकार जो मनोवृत्ति उठ रहे या जा रहे हैं ना, कुछ मत करो, ये करूंगा रुकूंगा, तो दोनों मन बोलता है ये करो, वो भी नहीं, मन बोलता है नहीं करो, भी नहीं, कभी भी मतलब उसको मतलब कुछ भी मत करो, बस केवल रहने दो, निरोध। क्यों? इसके हेतु है क्योंकि कोई उत्पत्ति हुई नहीं। पहले बोल क्या क्या प्रपंच यदि विद्ये तो निवर्त्ये तो न संशय माया मात्र अद्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, है ना, यदि प्रपंच होता तब तो बोल रहे से उसको नाश करते। महाराज हमें तो दिखाई देता, बता ही तो कल्पना है, वो मान्यता दे रखे उसको, इसीलिए तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, मान्यता दिया तुमने, इसीलिए फिर उसे अटैच डिटैच होने का कोशिश करते हो। भाई भी तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, यदि ये हो तब कुछ नहीं है, अब उसको पूरा, इसलिए न निरोध न च उत्पत्ति। जब निरोध ही नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं हुआ, तो बंधन कहां से आएगा? यदि तो हम ये भी नहीं, हमारा राजा जनक जो है ना, क्या है, अष्टवक्र गीता मुक्त तो हमेशा हो, फिर अपने को बंधन की मान्यता देकर के मुक्ति की इच्छा करते। आत्मा में कोई बंधन कौन समय है ही नहीं, ये इस मुक्ति की दर्शन, ना निरोध ना च उत्पत्ति ना बद्ध, कोई बंधन है ही नहीं तुम्हारी। जब बंधन नहीं है तो बंधन को मिटाने के लिए साधक क्या चीज होगा? ना साधक ना मुमुक्षु, सारा कल्पना है, मैं मुक्त हो जाऊंगा। साधक के अंदर भाव आता है ना, मैं बंधन में मैं मुक्त हो जाऊंगा। साधक मुमुक्षु एक ही चीज है ना, साधक साधन करने वाला और मुमुक्षु मुक्ति को चाहने वाला। सभी व्यक्ति मुक्ति तो नहीं चाहता है ना, सभी व्यक्ति मुक्ति चाहते, ये बात नहीं है, सभी का चाहत अलग अलग होता है, इसलिए न साधक न मुमुक्ष न वही मुक्त। कोई मुक्ति से देखो न कोई मुक्ति मुक्त, कोई मुक्त भी नहीं है, हमेशा मुक्त हो तुम। इत्तेषा परमार्थतः, इस प्रकार से यही पारमार्थिक स्थिति है। स्थिति स्थिति बोलना चाहते हैं, स्थिति स्थिति में यदि ऐसा परमार्थता, क्या अद्भुत श्लोक है देखो, और कितना स्ट्रॉन्ग, इतना अभी आपको क्या बोल रहे हैं, जो मैंने श्रुति और युक्ति के द्वारा समझा करके आया उसी को एक श्लोक में बोलना हूं। ये तो बोला जितना मतलब मैं अपनी मनमर्जी श्लोक रचना नहीं किया, कोई विद्वता दिखा नहीं है, जो हमने पहले श्रुति वाक्यों के आधार पर सिद्ध किया, उसके बाद श्रुति और अनुकूल तर्क के द्वारा जो पुष्ट किया, उसका सार संक्षेप क्या है? न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्तेषा परमार्थता। ये परमार्थिक स्थिति है, ठीक है, हम साधन नहीं करने का निषेध नहीं कर रहे हैं,
परंतु ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हम साधन क्यों करते हैं? मन में जो विषय के प्रति बाहर दौड़ने की इच्छा उसको रोकने के लिए हमको बोलते हैं कि मन को भगवान में लगाओ, ये करो। जब विषय बाहरी कोई विषय है ही नहीं, मन जब ये निश्चय कर ले कि बाहरी कोई विषय है ही नहीं, बाहरी विषय से हमारा कोई प्रयोजन है, तो जाने ही बंद हो जाएगा। जिस प्रकार स्वप्नों में देखे हुए वस्तु को लेकर हम सुबह उठ करके रोते नहीं है, ना कोई चिंता ही मन में, दिन भर अपना काम करना भूल भी जाता है, क्या स्वप्न लेगा। इसी प्रकार से अंदर प्रबल चली, यदि एक बार आप अपनी आत्मा के प्रति जग जाएंगे तो जागृत अपने आप में Om Shanti Shanti Shanti.